हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे पेसमेकर लगाने के क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसके लिए व्यक्ति को अगर हृदय गति कम हो तो पेसमेकर लगाने की ज़रूरत होती है। पेसमेकर बेसिकली एक माचिस के डब्बे जैसे डिवाइस है जो गले पर या मसल्स के नीचे लगा दिया जाता है। गले के नीचे जो मसल्स होती है यहाँ पे शोल्डर की मसल्स, उस पर लगा दिया जाता है। उसका इलेक्ट्रोड हार्ट में कनेक्ट कर दिया जाता है जो हार्ट को करंट देता रहता है। बेसिकली इन्वर्टर जैसा डिवाइस है कि लाइट चली जाए तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और घर में करंट देना चालू कर देता है। पेसमेकर भी वैसे ही काम करता है कि हृदय की गति कम हो जाती है तो उसमें बैटरी होता है, ऑटोमेटिकली वो चार्ज रहता है। तो जैसे ही आपका हार्ट का करंट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, करंट कम हो जाता है, तो वो करंट देना चालू कर देता है। तो बेसिकली ये करंट जनरेटिंग डिवाइस है। आज हम बात करेंगे इसके क्या कारण होते हैं, पेसमेकर क्या होता है, कैसा होता है और इसके बारे में उसके अलग अलग टाइप्स क्या है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हमने किए हैं जो कि मेरे चैनल पर पेसमेकर्स का प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। कार्डिक डिवाइसेस की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। आ जाते हैं कारण पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अगर किसी के हृदय की गति कम हो और साथ में पेशेंट को सिम्टम्स हो तो करना चाहिए। कुछ लोगों में पूछते हैं कि हृदय की गति कम है तो पेसमेकर कर देना चाहिए, 40-60 रेट हो गए तो कर देना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हार्ट रेट आपका रिदम नॉर्मल है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम नॉर्मल है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो पेसमेकर की ज़रूरत नहीं है। अगर कंडक्शन सिस्टम प्रॉब्लम है कर रहा है, पेशेंट को तकलीफ है, तो ही आपको पेसमेकर करने की ज़रूरत है। जैसे कि पेशेंट को हार्ट रेट कम होने की वजह से चक्कर अगर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, सांस फूल रही है, सुस्ती वगैरह बहुत लग रही है, अगर इस तरह के पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स अगर हो रहे हैं हृदय गति कम होने की वजह से, तो आपको पेसमेकर करना चाहिए। और अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट को ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, उतना कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं या चेकिंग कर रहे हैं पेशेंट की, तो उसमें कंटिन्यूसली उसको ब्रैडीकार्डिया रहा है, बार बार गति कम हो रही है और गति कई बार बहुत ज़्यादा भी कम हो जा रही है, डेंजरसली लो लेवल्स में भी अगर ब्रैडीकार्डिया हो जा रहा है, होल्डर मॉनिटरिंग कर रहे हैं या कोई डिवाइस चेकिंग कर रहे हैं, उस दौरान हमको हृदय गति कंटिन्यूसली अगर 40 बीट से नीचे मिलती है और कई बार बहुत कम भी हो जाती है, तो उसे पेसमेकर का इंडिकेशन मानते हैं। अगर किसी पेशेंट को 3 सेकंड से ज़्यादा करंट का अगर पॉज हो जाए किसी भी ECG में या होल्डर डिवाइस चेकिंग में, कि जिसमें 3 सेकंड तक कोई भी करंट नहीं आया हो, तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं, क्योंकि यूजली 3 सेकंड से ज़्यादा अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो तो आदमी को बेहोशी का अटैक आ सकता है। तो वैसे केस में आपको कंडक्शन ब्लॉक अगर है तो पेसमेकर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 3 सेकंड तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, करंट बिल्कुल पॉज में, तो करना चाहिए, चाहे होल्डर पर हो चाहे बेसलाइन ECG पर हो। इसके अलावा पेशेंट को कोई कंडक्शन ब्लॉक्स है, जैसे AV ब्लॉक कंप्लीट है, 3rd degree AV ब्लॉक है, या 2nd degree में type 2 AV ब्लॉक है, या कोई और तरह का कंडक्शन ब्लॉक है जो कि नॉर्मल दवाइयों से मैनेज नहीं हो रहा और पेशेंट को सिम्टम्स है, इसमें जान का खतरा है, तो करना चाहिए। खासकर अगर कंप्लीट AV ब्लॉक है तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंट की जान का खतरा होने का बहुत चांस होता है। नेक्स्ट है कि साइनस नोड डिसफंक्शन है, यानी साइनस नोड का अगर प्रॉब्लम है, साइनस नोड से अगर करंट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो भी पेसमेकर का प्रॉब्लम हो सकता है। साइनस नोड बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है या बीच बीच में कभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सिक्स साइनस सिंड्रोम या टैकीब्राडी सिंड्रोम है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स साइनस सिंड्रोम में क्या है, साइनस नोड प्रॉपर करंट ही नहीं दे रहा, तो आपको कभी कभी फेल हो जा रहा है, बीच में काम बंद कर दे रहा है, तो आपको उस करंट बढ़ाने के लिए पेसमेकर करना पड़ेगा। टैकीब्राडी सिंड्रोम में क्या होता है कि हृदय गति कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। अब बहुत बढ़ जाती है तो गति कम करने की आप दवा दोगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा, गति कम हो रही तो गति बढ़ाने की दवा दोगे तो ज़्यादा गति बढ़ जाएगी, तो इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो वैसे केस में क्या करते हैं कि गति बढ़ाने की बहुत दवा तो नहीं आती है, तो इसलिए आप क्या करते हो कि गति कम अगर हो तो उसको मैनेज करने के लिए पेसमेकर लगा देते हो और फिर गति कंट्रोल करने की मेडिसिन, पेशेंट को एंटी अरिथमिक मेडिसिन देते हो ताकि आप गति को नॉर्मली कम लेके आओ, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो पेसमेकर उसका ध्यान रख ले तो पेशेंट को दिक्कत नहीं हो। तो टैकीब्राडी सिंड्रोम के पेशेंट में भी इसको लगाते हैं। इसके अलावा किसी को अगर दवा से रिलेटेड गति बहुत कम हो रही है और ये दवा बहुत इसेंशियल है जो पेशेंट की सर्वाइवल के लिए बंद नहीं कर सकते, मान लीजिए सीवियर हार्ट फेलियर है, बीटा ब्लॉकर बंद नहीं कर सकते, या जरा सा भी डोज देने में कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है जिस पे पेशेंट का सर्वाइवल डिपेंडेंट है ऐसी मेडिसिन पे, तो पेसमेकर करना चाहिए। या दवा का डोज एडजस्ट करने के बाद भी अगर पेसमेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंट को गति बहुत ही कम हो रही है, तो फिर पेसमेकर कर देना चाहिए। जन्म से अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई हार्ट में छेद वगैरह, और वैसे अगर गति कम हो रही है, या जन्म से किसी को कंप्लीट AV ब्लॉक है, कंडक्शन ब्लॉक्स है अगर जन्म से, या कोई जन्म के दौरान कोई एंटीबॉडीज़ की वजह से जो माँ के पेट में बच्चे में एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं उसकी वजह से भी AV ब्लॉक्स डेवलप हो जाते हैं कई बार, तो वैसे केसेस में भी पेसमेकर कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चों का गति कभी नॉर्मल आती नहीं है और इनको आगे जाके कभी ना कभी तकलीफ आ सकती है, तो पेसमेकर कर देना चाहिए।
इसके अलावा अगर किसी को ब्राडीकार्डिया इंड्यूस सिंकपी हो रही है, गति अगर बहुत ज़्यादा कम है और उसको बेहोशी हो रही है, इतनी कम है गति कि चक्कर आ गए और हम लोग कन्फर्म कर पा रहे हैं किसी भी टेस्ट द्वारा कि गति कम होने की वजह से चक्कर आया, तो कर देना चाहिए। मान लीजिए गति 50-60 के आसपास है और चक्कर सिर्फ बीपी कम होने की वजह से आ गया या कोई और कारण से आ गया तो नहीं करना चाहिए। पर अगर गति बहुत कम है और कन्फर्म्ड है कि उस समय गति इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया इसलिए चक्कर आया, तो पेसमेकर करना चाहिए। इसके अलावा अगर ब्राडीकार्डिया इतना ज़्यादा है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है उसकी वजह से, यानी चलने फिरने में सांस फूल रही है, चलने फिरने में धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है, चलने फिरने में घबराहट हो रही है, जरा भी चल फिर नहीं पा रहा पेशेंट, दवाइयों से भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इतना हार्ट फेलियर है, तो भी पेसमेकर कर देना चाहिए। क्योंकि हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो वैसे केस में हम गति को बढ़ाने के लिए पेसमेकर दे देते हैं और साथ में हार्ट फेलियर की मेडिसिन भी साथ में दे देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को एटल फिब्रिलेशन है और उसमें हृदय गति बहुत ज़्यादा स्लो है, चाहे दवा की वजह से चाहे कोई और कारण से हृदय गति बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो गया है, तो वहाँ पर भी पेसमेकर करना चाहिए। कई बार एटल फिब्रिलेशन में गति बहुत ज़्यादा हो तो भी पेशेंट को क्या करते हैं कि गति कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पेशेंट, तो एवी नोड को ऑब्लेट कर देते हैं यानी कंडक्शन ब्लॉक कर देते हैं और पेसमेकर लगा देते हैं। तो उससे क्या है कि एटल फिब्रिलेशन की वजह से हार्ट फेल होने का चांस कम हो जाता है और एवी ब्लॉक करके फिर पेसमेकर लगा दिया जाता है, तो परमानेंटली वो गति का ध्यान रखता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर ये भी एक बीमारी है जहाँ पे पेसमेकर लगता है। इसके अलावा किसी को अगर सर्जरी के बाद या कोई एंजियोप्लास्टी इस तरह के इंटरवेंशन के बाद अगर हो रहा हो, किस तरह का कंडक्शन ब्लॉक हो गया जो कि रिवर्ट नहीं हो रहा है, कुछ दिन आपने वेट कर लिया, ध्यान रख लिया, फिर भी रिवर्ट नहीं हो रहा है, तो फिर पेशेंट को आपको पेसमेकर कर देना चाहिए। हार्ट के कई बार इन्फेक्शन में भी अगर ऐसा कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो जाए, मायोकार्डिटिस हो जाए, कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो जाए जो कि कुछ दिन वेट कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन वेट कर लिया लेकिन वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है 10-15 दिन के बाद भी, तो पेसमेकर कर देना चाहिए। क्योंकि पेसमेकर करने से क्या है, नुकसान ज़्यादा नहीं है, बस वही है कि हृदय की गति जब भी कम होगी तो पेस करेगा, क्योंकि इस चीज़ में खर्चा इन्वॉल्व है, क्योंकि इस चीज़ में एक प्रोसीजर है जिसमें हर 10 साल बैटरी करने का ज़रूरत है, इसलिए हर केस जिसमें थोड़ा बहुत भी गति कम हो सबको पेसमेकर कर देना वैसा ज़रूरी नहीं है। सिलेक्टेड केसेस में, खासकर जहाँ पे पेशेंट को बेहोशी हो रही है, सिंकपी हो रही है, वहाँ पे गति बहुत कम अगर हो रही है, ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती, गति कम हो गई और परमानेंटली कम हो गई है जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर पेसमेकर कर देना चाहिए। और अगर ऐसा है कि कोई रिवर्सिबल कॉज है जो ठीक हो जाएगी ऐसा लगता है, तो फिर पेसमेकर के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कौन कौन से पेशेंट को और किस किस बीमारी के लिए पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है, इनमें से कोई भी एक कारण भी अगर हो पेशेंट को तो पेसमेकर कर देना चाहिए। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। और पेसमेकर संबंधित हमने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस किए, पेसमेकर का पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक आउट करिए। पेसमेकर कब लगता है, क्यों लगता है, गति कम कब होती है, ज़्यादा कब होती है, सारे ही टॉपिक्स हमने अपने चैनल पर कवर किए हैं, आप उन्हें चेकआउट करिए तो आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ।